केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में कुछ नियम तय किए गए हैं। लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्र अपनी इच्छा से स्कूल जा सकते हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की परमिशन मिल सकती है। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपने अभिभावक की अनुमति से स्कूल जा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अपनी टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति है। हालांकि ये तभी संभव होगा जब छात्रों के माता पिता उन्हें इसकी इजाजत देंगे। स्कूल छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये छात्रों की मर्जी पर निर्भर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। कुल मिलाकर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान फिलहाल छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की प्रक्रिया जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।